जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। एक लौंग बदल देगी आपकी किस्मत, लौंग और काली मिर्च के टोटके। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी थोड़ी सी जो समस्या है उनको हटाकर अपने भाग्य को चमकाने की। कई बार लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब लगने लगता है कि हमने जो मेहनत की है आज तक वो सब बेकार हो गई है। जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। आप अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करने की सोचते हैं अचानक कुछ उल्टा हो जाता है। कमाई आती नहीं है और आती भी है तो हाथ में ठहरती नहीं है। मतलब हर चीज, पूरी दुनिया धुंधली सी लगने लगती है। हर चीज उथल पुथल हो जाता है। इस उथल पुथल को रोक कर अपनी किस्मत चमकाने के बहुत सारे उपाय होते हैं। हमारे जो तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें बहुत सारे उपाय होते हैं, पर अक्सर हम अंधविश्वास समझकर या कुछ भी सोच के कि ये बेकार की बातें हैं, हम उन उपायों को आजमाते ही नहीं है। अंधविश्वास के लिस्ट में शामिल कर लेते हैं चीजों को, लेकिन हमारी जो मान्यताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, वो बहुत सोच समझ कर बहुत रीजन के साथ लिखा है। तो अगर लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है और समाधान नहीं मिल रहा है आपको, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप ये एक दो उपाय या टोने या टोटके या वशीकरण कुछ भी अप्लाई करें जब आप चारों तरफ से जिंदगी में हार चुके हो। तो एक ट्राई देना तो बनता ही है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से इंसान थोड़े ही समय में सक्सेसफुल हो जाता है। इस बार मैं आपको जो बताने वाली हूँ छोटे छोटे उपाय, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप रियल में प्रॉब्लम में हैं और कुछ भी आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा है। एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम किसी की हानि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह जो पहला उपाय है, रोज जब पूजा करते हैं सुबह सुबह, तो पूजा के बाद आरती करते हुए दीपक में दो लौंग डाल दीजिए, या कपूर में, अगर आप आरती नहीं कर रहे हैं दिए में घी डाल के तो कपूर जला रहे हैं, तो कपूर में दो फूल वाले लौंग आपको लेने हैं, उसका फूल नहीं निकालना है। दो फूल वाले लौंग डालकर आरती कर ले, आप खुद देखेंगे कि आपके दिन भर में कोई विपदा नहीं आएगी, कोई कठिनताएं नहीं रहेंगी, आपका हर काम बहुत ही आसानी से होता चला जाएगा। आप खुद सोचेंगे और ये उपाय आप रोज कर सकते हैं जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, आपको एक खास उपाय बताती हूँ लौंग का। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं, किसी न किसी कारण से हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप जब सब तरफ से मना के हार जाएं, तो आप चाहें तो आप वशीकरण ट्राई कर सकते हैं। इसमें किसी की हानि नहीं होती जिनसे हम प्यार करते हैं, पर ये ध्यान रखें कि वशीकरण का एक नियम होता है, कभी भी गलत के लिए इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसका रिजल्ट उल्टा पड़ सकता है। इसलिए हमेशा वशीकरण को सोच समझ कर करें। क्या करना है आपको, शनिवार की रात में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार जिसको वश में करना हो उसका नाम लेकर फूंक मार दें, और अगले दिन संडे को इसको आग में जला लें। ये प्रयोग लगातार 7 बार आपको करना है। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है। ये प्रयोग किसी बुरी भावना या किसी अहित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें किसी का अहित ना हो, किसी की बुराई ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे। इसके अलावा भी लौंग का एक बहुत ही पवित्र सा उपाय है, यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में आपको कड़ी मेहनत के बाद भी अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, हर काम आपका नुकसान होता जा रहा है, तो नींबू का एक छोटा सा उपाय, नींबू और लौंग का एक छोटा सा उपाय आपके सारे काम बना देगा। आपको एक नींबू और 4 लौंग लेकर किसी भी पास के हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। वहां जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद हनुमान जी से सफलता दिलाने की प्रार्थना करनी है और इस नींबू को जेब में लेकर जाएं। अगर आप जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप कई बार इंटरव्यू फेल कर चुके हैं, तो भी आप ये उपाय करें, ये बहुत सक्सेसफुल होता है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए ये नींबू और लौंग का उपाय आप जरूर कर लें। कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप कभी लाइफ में नींबू और कोई भी टोटका करते हैं, तो कभी भी उस जगह को मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपनी मर्जी के बिना किसी काम को करना पड़ रहा है, आपको इच्छा नहीं है पर किसी न किसी कारणवश आपको अपने इच्छा के विपरीत कोई काम करना पड़ता है,
और आप मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी करके खा लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके इच्छा के विरुद्ध काम होना बंद हो जाएगा। एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, लौंग के इस्तेमाल से धन प्राप्ति का उपाय ये बताया गया है, जिसे हनुमान जी की पूजा के दौरान करना है। इसके लिए सरसों का तेल लेकर दिए में डालें और उसमें 2 लौंग जला दें। इस दिए के इस्तेमाल से हनुमान जी की पूरे मन से पूजा करें और आरती करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और साथ ही मन में साहस भी बढ़ जाता है। छोटे से काली मिर्च का है लौंग के साथ, काली मिर्च के 5 दाने ले लें और उसे अपने सिर पे 7 बार वार लें। ये धन प्राप्ति का उपाय है। थोड़ा बहुत धन नहीं बल्कि बहुत सारा धन पाकर मालामाल अगर होने की आप इच्छा रखते हैं तो ये शास्त्रीय उपाय आप जरूर करें। आपको करना क्या है, काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं और उन्हें अपने सर के ऊपर से 7 बार वार लेना है। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें, बचा हुआ 5वां दाना ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। ये उपाय करने के बाद घर की ओर निकल जाए और गलती से भी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं और आपकी हर काम सक्सेसफुल हो जाती है। एक चीज और है छोटा सा, कहीं अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं बहुत ही जरूरी काम के लिए तो ध्यान रखें, निकलने के पहले अपने मेन गेट पर काली मिर्च और 2 लौंग रखें और उस काली मिर्च और लौंग पर पैर रखकर बाहर की ओर कदम बढ़ाएं। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इस उपाय में आपको एक बात का स्पेशल ख्याल रखना होगा, इस काम को करते ही घर से बाहर निकलने के बाद दोबारा आपको वापस प्रवेश तुरंत नहीं करना है, भले किसी भी चीज को आप जरूरी से जरूरी चीज आप भूल गए हैं, क्योंकि ऐसा करने से इस टोटके का प्रभाव खत्म हो जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति व बाधा की समाप्ति के लिए लौंग और काली मिर्च के बहुत ही अनुभूत उपयोगी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को यदि हम तरीके से इस्तेमाल करें तो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। आप अगर किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं किसी भी हाल में ये काम सफल होना है तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो आप जरूर करें और देखें कैसे आपको सफलता हाथ लगेगी। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।